सो भाई लोग कैसे हो, आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूं, राधे योर मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान, उसके बाद लक्ष्मी बॉम अक्षय कुमार और अब भुज द प्राइड ऑफ इंडिया अजय देवगन। अब ये तीनों के तीनों बड़े बड़े सुपरस्टार है और ये बड़े बड़े सुपरस्टार ऐसी कोरोना की हालत में जबकि लोगों के पास आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं है और ये लोग हमको लूट रहे, ये लोग हमको लूट रहे। एक बात तो अस्त हो गई, OTT पर बड़ा सुपरस्टार तभी आएगा जब वो सिर्फ कचरा लेके आएगा, वहां पर सिर्फ कचरा लेके आएगा। आपको OTT पर तभी अच्छी चीज देखने को मिलेगी जहां पर ना आपको कोई छोटे बजट की मूवी होगी या फिर कोई छोटा मोटा सुपरस्टार होगा ना, तभी आपको आपको OTT के ऊपर कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल शेरशाह, अब शेरशाह मूवी को आप देखो, एक तरफ शेरशाह शेर है, दूसरी तरफ अजय देवगन की जो भुज प्राइड ऑफ इंडिया है ना, उसको देखने के बाद मैं आपको क्या बोलूं, शेरशाह देखने के बाद आपका सीना चौड़ा होता है एंड भुज द प्राइड ऑफ इंडिया देखने के बाद आपके दिमाग में फोड़ा हो जाता है, इतनी खतरनाक मूवी है। एंड भाई अजय देवगन के बोलते, अजय देवगन को पहले से पता था कि भाई भुज द प्राइड ऑफ इंडिया एक ऐसी मूवी है ना जिसको अगर हमने थिएटर में गलती से रिलीज कर दिया तो लोग बड़े पर्दे पे हमको जूते और चप्पल मारेंगे, सीरियसली बोल रहा हूं। इसलिए लोगों ने सोचा कि भाई इसको OTT पे ही रिलीज कर देते, बिकॉज ये मूवी थिएटर में रिलीज करने के लायक नहीं है, अगर थिएटर में रिलीज करेंगे तो लोग हमको जूते चप्पल मारेंगे, तो इसको OTT पे रिलीज कर देते, आपको अपने मोबाइल के ऊपर या फिर अपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर तो जूते चप्पल बरसाने नहीं वाला, इसलिए लोगों ने कचरा चीज हमको OTT पे दिखा डाली। एंड एक तरफ हमने कल शेरशाह देखी थी, अब शेरशाह मूवी में आप देखो यार, उसका म्यूजिक कितना जबरदस्त था, उसके सिनेमेटोग्राफी, उसका VFX भी जबरदस्त था भाई, इतना रियलिस्टिक सब कुछ लग रहा था, इतना रियलिस्टिक लग रहा था कि आपको मतलब ऐसा लगेगा कभी कभी तो कि आप खुद वहां पर बैठे हो और आपके सामने वॉर चल रहा है, आपको इतनी जबरदस्त फीलिंग आ जाएगी। और एक तरफ भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, अब इसके VFX की तो मैं क्या बात करूं, इसका VFX इतना खतरनाक है, इससे अच्छा तो आप जाके पबजी खेल लो, आपको उसमें मजा आ जाएगा। एंड भाई आपको पता है पबजी में होता है कि भाई अभी आप मतलब कहीं पे लूट कर रहे हो और अचानक से बंदे आ गए, अचानक से एनिमी आ गया और अचानक ना वॉर स्टार्ट हो जाती है, अचानक फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में भी कभी भी वॉर स्टार्ट हो जाता है और क्यों स्टार्ट होता है ये भी पता नहीं चलता और अचानक खत्म भी हो जाता है, क्या कैसे किस तरह से हो रहा है आपको कुछ पता नहीं चलेगा इस मूवी में। इस मतलब इससे अच्छा तो मतलब आप पबजी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो भी है BGMI खेल लो, बट ये मूवी आप झेल नहीं सकते बिकॉज इसका VFX इतना खतरनाक है कि भाई आपको मैं क्या बताऊं यार, मेरे पास बताने के लिए अल्फाज नहीं है यार। इस मूवी की मैं तारीफ किस तरह से करूं, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक तरफ अजय देवगन और दूसरी तरफ संजय दत्त, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार को लेके आप मूवी बना रहे हो, हमको मूवी के नाम पर टट्टी दिखा रहे हो। चलो यार ये बात तो ठीक है यार, सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे तब आ रहा था कि भाई एक तो अजय देवगन का मतलब एंट्री शॉट है, अजय देवगन एंट्री कर रहे हैं, उनकी एंट्री इतनी खतरनाक है भाई, इनसे अच्छी एंट्री तो भाई अर्जुन कपूर कर देगा, इससे अच्छी तो एंट्री अर्जुन कपूर कर देगा, इतनी खतरनाक इनकी एंट्री। एंड हद तो तब हो जाती है कि भाई मतलब मूवी स्टार्ट होती है, मतलब स्टार्टिंग में मतलब कब मतलब स्टार्टिंग में मूवी चल रही है अचानक अजय देवगन में ना पान मसाले की ऐड करते हुए आ जाते, बोलो जुबा केसरी यही सब चलता रहता है यार, कब एड स्टार्ट हो जाती है उसमें भी अजय देवगन आ जाते, ऐसा लगता है कि भाई बोलो जुबा केसरी भी इस मूवी का पार्ट है, सीरियसली ऐसी फीलिंग आ जाती है भाई। मतलब अजय देवगन साहब मतलब ऐसी फीलिंग नहीं थी, एक तरफ आपने तानाजी जैसी मूवी बनाई थी यार, उस मूवी का मतलब तानाजी के बाद ना हमको मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मतलब इसमें कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। एंड ट्रेलर में तो हमको देख के लग भी रहा था कि भाई मतलब यार कुछ आप एकदम यूनिक चीज लेके आ रहे हो, तानाजी के बाद ना एक और बवाल चीज लेके आ रहे हो। अब बवाल चीज तो आपने दिखाई नहीं, पता नहीं आपने कौन सी टट्टी मतलब किस हिसाब की टट्टी दिखा दी हमको यार। देखो मुझे इस मूवी में ज्यादा अच्छा कुछ लगा नहीं, सिर्फ मुझे दो ही चीज मूवी में अच्छी लगी है, एक तो ये मूवी 1 घंटा 50 मिनट की आई मीन जल्दी खत्म हो जाती है, एंड दूसरा मुझे इस मूवी में अच्छा लगा है इसका जो 10-15 मिनट का जो लास्ट में क्लाइमेक्स था ना वो आपको थोड़ा बहुत हजम हो जाएगा, बाकी इसमें कुछ हजम नहीं कर पाओगे। एंड दूसरी बात देखो यार, मेरे दिल में ना हमारी इंडियन आर्मी के लिए या फिर पुलिस कर्मियों के लिए या फिर जो भी हमारी देश की सेवा करता है उनके लिए बहुत बड़ी इज्जत है, बट यार इस मूवी के अंदर हमारी जो इंडिया की जो हिस्टोरी है ना जो मतलब उसको देखने के बाद हमारे दिल में एक अलग ही छाप पड़नी चाहिए, अलग ही फीलिंग्स आनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं आई, मतलब एकदम ही डिसअपॉइंटेड कर दिया, मतलब दिल तोड़ दिया अजय देवगन ने, बिल्कुल दिल तोड़ दिया। ये मूवी OTT पर क्यों आई थी भाई, ये बात का तो मतलब सबूत आज मुझे मिल गया क्यों इसको OTT पर लाना पड़ा। बाकी यार अजय देवगन इतने बड़े सुपरस्टार है, उनकी हर मूवी एकदम आउट क्लास होती है, थिएटर में बवाल मचाती है, बट इसको OTT पर लाना पड़ा, इसको देख के पता चल गया कि भाई OTT पर क्यों लाना पड़ा। एनीवेज गाइस यार मुझे तो मूवी बहुत मतलब दिमाग खराब कर दिया मेरा, तो आप लोग अगर मूवी में कुछ अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एक तो कल शेरशाह देखी थी और दूसरी तरफ आज ये भूज के नाम पर चूहा देख लिया, मेरा दिमाग खराब हो गया सीरियसली बोल रहा हूं। अगर आपने मूवी देखी तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू।